आपदा प्रभावित जोशीमठ में परेशानियां कम नहीं हो रही है। अब जीपी कॉलोनी के पास सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया है, जिससे लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, खौफ में हैं। गड्ढा काफी ज्यादा गहरा है और सड़क टूटने का खतरा वहां पर मंडरा रहा है। जोशीमठ में सड़क पर गड्ढे होने के साथ ही चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी प्रशासन की टीम के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। अगर इसी तरह सड़क जो है वो धंसती रही तो 27 अप्रैल से शुरू हो रही बद्रीनाथ यात्रा के दौरान काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जोशीमठ में इसी साल की शुरुआत में अचानक से जमीन धंसने से सैकड़ों मकानों में दरार आ चुकी थी, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट तो कर दिया गया, लेकिन अब एक नई मुसीबत सामने आ रही है। सड़कों पर दरारें देखने को मिल रही है। प्रशासन ने खतरनाक हो चुके 2 होटल को भी उस वक्त तोड़ दिया था। जोशीमठ की आपदा प्रभावित के लिए प्रशासन की ओर से प्री फैब्रिकेटेड घर भी बनाए जा रहे हैं। 1 BHK प्री फैब्रिकेटेड घर तैयार हो चुके हैं, जबकि 2 और 3 BHK घर भी जल्द ही बनने की उम्मीद है, ताकि लोगों को रहने के लिए जगह मिल सके। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोशीमठ से, जहां पर जीपी कॉलोनी के पास जो सड़कें हैं वहां पर गड्ढे देखने को मिल रहे हैं और काफी गहरे ये गड्ढे बताए जा रहे हैं, जिस वजह से लोगों की जो चिंता है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कहीं आने वाले दिनों में कोई और बड़ी मुसीबत उनके सामने ना आ जाए। अगर इसी तरह से सड़क धंसती रही वहां पर तो जो 27 अप्रैल से शुरू हो रही बद्रीनाथ यात्रा है उस दौरान भी काफी ज्यादा दिक्कतें यात्रियों को